नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 10 में से एक सीट जो सबसे हॉट सीट है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें टिकी हुई है, वो सीट है मिल्कीपुर सीट, जो कि अयोध्या में आती है। इस सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी खास सेना उतारी है, अपने खास साथियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। 4 मंत्री योगी जी के इस सीट को जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि सीट के लिए सपा ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ अपना एक साथी तैयार कर लिया है, और वो साथी है सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद। आपको बता दें, राम मंदिर का निर्माण जनवरी में हुआ था, और राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर ही यूपी में जीत का दावा किया जा रहा था, यूपी नहीं बल्कि पूरे देश भर में। लेकिन यूपी की वो सीट, अयोध्या सीट, जिसे लेकर पूरे देश भर में चर्चाएं थी, वो सीट ही बीजेपी हार गई। अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी बीजेपी हार गई, और इसका सीधा फायदा मिला अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता अवधेश प्रसाद को तो अखिलेश यादव इनाम भी देने वाले हैं अयोध्या की जीत के लिए। और अब सपा ने सोच लिया है कि अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की भी जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को ही देंगे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी, वो भी तो दमदार व्यक्ति है, उन्होंने भी ठान लिया है कि इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देंगे। अयोध्या की सीट का बदला मिल्कीपुर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से लेंगे। खुद प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर जाकर। मिल्कीपुर में अपने 4 साथियों को कह दिया है कि आप लोग वहीं रहें, सभाएं करें, हफ्ते में 2 बार विश्राम करें, मैं आता जाता रहूंगा, मेरी पूरी निगाहें अयोध्या की विधानसभा सीटों पर है जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं। वो 4 मंत्री जिनको जिम्मेदारियां दी है, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, इन 4 को कहा है कि आप लोगों को मिल्कीपुर पर खास ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर भी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारने की तैयारी में अखिलेश यादव। इन 4 को कहा है कि रात्रि विश्राम करना पड़े तो करिए, सभाएं लगातार कीजिए, लोगों से मिलिए, लेकिन मिल्कीपुर सीट किसी भी कीमत पर जीतना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कौन है अजीत प्रसाद? अजीत प्रसाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। जिला पंचायत चुनाव में वो मैदान में खड़े तो हुए, लेकिन अजीत प्रसाद को जीत हासिल नहीं हुई। अजीत प्रसाद ने 2017 में जगदीशपुर विधानसभा सीट पर सपा की तरफ से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, पर गठबंधन के कारण ये सीट कांग्रेस के पास चली गई। लेकिन अब पिता के सांसद रहते हुए अजीत पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और लगातार मैदान में है। अजीत प्रसाद पर अखिलेश यादव की भी नजर है। अवधेश प्रसाद के सहारे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारकर मिल्कीपुर सीट भी जीतना चाहते हैं। अयोध्या का बदला योगी लेंगे मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर पर सीएम योगी ने अपनी कमर कस ली है। सीएम योगी ने टॉप 5 ऐसे व्यक्तियों को मिल्कीपुर के लिए उतारा है, जो कि पूरा ध्यान, पूरा प्लान मिल्कीपुर के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहला नाम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है, उनका पूरा फोकस मिल्कीपुर सीट पर रहेगा। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को पूरी जिम्मेदारी दे दी है मिल्कीपुर विधानसभा सीट के, क्योंकि अखिलेश यादव से बदला जो लेना है। मिल्कीपुर सीट को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए, प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के लिए। मिल्कीपुर सीट को जीतना आसान नहीं। आपको बता दें, मिल्कीपुर में सिर्फ बीजेपी 2 बारी चुनाव जीत पाई है, एक बार 1991 में और एक बार 2017 में, क्योंकि यहां दलित वोटर सबसे ज्यादा है, मुस्लिम वोटर है। और आपको बता दें, मुस्लिम वोटर, दलित वोटर, ओबीसी वोटर जो है वो यहां पर जीत के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मिल्कीपुर सीट क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और ओबीसी वोटर भी यहां बहुत ज्यादा है, तो इन 4 को मिलाकर एक उम्मीदवार यहां पर जीतता है। पहले यह सामान्य सीट थी, लेकिन परिसीमन के बाद यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। ऐसे में बीजेपी के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। बीजेपी के लिए भी ऐसा प्रत्याशी तय करना जरूरी है जो कि जीत और हार को लेकर चुनावी मैदान में तैयारी से उतरे, और साथ ही साथ जातिगत समीकरण भी फिट हो। आपको बता दें, अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई,
तभी से पैच फंसा हुआ है कि आखिर योगी जी किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे। बीजेपी और योगी जी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी जहां पर जातिगत समीकरण जो है वो भी फिट बैठता हो और हार जीत का फॉर्मूला भी उससे पता हो, क्योंकि इस बार सीएम योगी किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेंगे। बीजेपी के धाम क्या होंगे उम्मीदवार? कहा जा रहा है कि पूर्व प्रत्याशी गोरखनाथ, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कनौजिया आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए जिला महामंत्री काशीराम रावत, राधेश्याम त्यागी, चंद्रभानु पासवान, लक्ष्मी रावत, बबलू पासी, इन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार इन सभी में से एक को बना सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सीएम योगी अजित प्रसाद के सामने बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गोरखनाथ को मिल्कीपुर से मैदान में उतार सकते हैं। गोरखनाथ के साथ ऐसे कई नाम भी है जो कि मिल्कीपुर से उतारे जा सकते हैं, पर प्रबल दावेदार गोरखनाथ माने जा रहे हैं, क्योंकि जब ये अवधेश प्रसाद के सामने लड़े तो उनकी हार का मार्जिन ज्यादा नहीं था, सिर्फ 10 से 12 हजार रहा। गोरखनाथ ये वही गोरखनाथ है जिन्हें मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद ने 2022 में हराया था। ऐसे में ये नाम सामने आ रहा है, पर इस बार योगी आदित्यनाथ कोई रिस्क नहीं लेंगे, पूरा फॉर्मूला फिट करेंगे और अखिलेश यादव से बदला लेंगे। अयोध्या की हार के बाद योगी को भी बड़ा धक्का लगा, बीजेपी को लगा, पूरे देश को लगा। ऐसे में मिल्कीपुर सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि योगी जी इस बार कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे मिल्कीपुर सीट जीत जाए, तो आप भी सुझाव दीजिए क्या करना चाहिए बीजेपी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए, और आप लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितना भरोसा है, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है मिल्कीपुर सीट जीत कर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।